चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, एनसीईआरटी के मिसलेनियस सॉल्यूशंस हैं ये, क्वेश्चन नंबर 1 में है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इस तरीके से दी हुई है यहाँ पर, एक साथ एक रेंज दे दी गई है और जो ये रेंज है इसमें हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको यहाँ से 4 हटाना है ताकि एक एक वैल्यू मिले, तो दो सारे मेम्बरान में आप 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड हो गया। अब 6, ये देखिए 6, 3x जो है वो 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है, और यहाँ पर दोनों साइड में आप देखिए ये सब 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 2, और x 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3 आर द सोल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी, एंड द सोल्यूशन सेट इज दिस 2 एंड 3 इंक्लूसिव। क्वेश्चन 2 में आते हैं, कुछ इसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन का तरीका होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें ये वाले अंदर वाले को, और या फिर एक काम करें क्योंकि यहाँ पर 6, 3 और 12 दिख रहा है तो सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 4 मिल जाएगा और ये 3 यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे ये माइनस है सबको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएंगे, दिस इनइक्वालिटी साइन, ये इनइक्वालिटी आपकी बदल जाएंगी। इनइक्वालिटी बदलते ही अब आप देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है इस, तो सब जगह आप 4 से ऐड कर दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए हर जगह, यहाँ 4 ऐड करेंगे, यहाँ से 4 ऐड करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ 4 ऐड करेंगे तो आपका ये भी हट जाएगा, तो 2x अभी आ गया। अब 2x को x करना है क्योंकि x का रेंज निकालना है ना, तो हमने सारा जो काम किया है उसमें फाइनल x निकालने के लिए किया है, इसके पहले क्वेश्चन में भी यही किया था। अब सारे साइड में 2 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो x आएगा 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 जो है वो नॉन इंक्लूसिव है, 1 इंक्लूसिव है, क्योंकि ये देखिए x जो है वो 0 और 1 की रेंज में है, तो ये 0 आएगा इस तरीके से और 1 आएगा, 1 को इंक्लूड करेंगे और 0 कैसे रखेंगे, ये तरीका है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी से आगे बढ़ना है, हम करेंगे क्या इसके लिए कि हमें यहाँ पर x लेके आना है, x का रेंज निकालना है और फिर उसी रेंज को बताना है, तो दोनों साइड आप देखिए 4 दिख रहा है तो माइनस 4 कर दीजिए, ये माइनस 4 करते ही क्या आएगा आपको, ये 4 हट जाएगा, दिस 4 हट जाएगा, बाकी आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब माइनस दिख रहा है तो दोनों साइड को आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, देखिए दोनों इनइक्वालिटी चेंज हो गई। उसके बाद आप 7 दिख रहा है यहाँ पे तीनों साइड, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, और बाकी 7 और ये 2 बचेगा। अब दोनों इसमें साइड में आप देखें कि यहाँ पर आपको केवल हाफ अलग से दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2, 4 और ये 2 हट जाएगा, तो x की रेंज आ गई आपकी माइनस 4 से लेकर 2 तक, माइनस 4 से बड़ा है, 2 से छोटा है, और दोनों इंक्लूसिव हैं, तो माइनस 4 और 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, यहाँ पर आपके पास जो ये मेंबर है इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि ये 3 है, 5 है, ऐसे कर सकते हैं आप कि हम सारे इस तरीके से हम कर सकते हैं, पूरे साइड को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 5 हट जाएगा, यहाँ 75 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए 75 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से है, यहाँ 0 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 3, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 3 हट जाएगा, यहाँ पर तो 0 है ही है। अब x माइनस 2 आया है आपके पास तो प्लस 2 कर दीजिए हर जगह पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए, और प्लस 2 करने के बाद ये तो माइनस 23 हो जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो x क्या है माइनस 23 से बड़ा है और इंक्लूसिव है, नॉन इंक्लूसिव है ये, तो ये राउंड ब्रैकेट आएगा, और 2 इंक्लूसिव है इसमें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी जो है इसमें जिस तरीके से हमने पहले भी किया था, पहले तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है तो माइनस 4 कर दीजिए दोनों साइड, ये हट जाएगा यहाँ से, और माइनस
ये देखिए माइनस माइनस यहाँ से कट रहा है 3/5/6 माइनस 16 माइनस 2। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि नीचे का ये 5 हटाना है, तो पूरे को 1 2 3 तीनों मेंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद क्या है कि आपको देखिए पहले क्या हो रहा था, इससे पहले सवालों में हम जो डिवाइड करते थे उससे तीनों काटते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो केवल ये हटेगा, बाकी तो डिवीजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको 3 से डिवाइड करना है। तो सारे साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 3 कट जाएगा तो एक्स की रेंज आ जाएगी -80/3 और -10/3। ये आपका -80/3, ये इंक्लूसिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ये इंक्लूसिव हो गया तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इंक्लूसिव मतलब वो नंबर इंक्लूड होगा, और नॉट इंक्लूसिव मतलब उस नंबर से जस्ट ऊपर वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा रेंज में, सॉल्यूशन रेंज है। यहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी आ गई, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को, तीनों साइड को, बल्कि 1 2 3 तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से निजात मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको 11 दिख रहा है दोनों साइड में, -11 कर दीजिए तीनों साइड में बल्कि, और उसके बाद आपके पास ये मिल जाएगा। आपको देखिए 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए सारे साइड को, डिवाइड बाय 3, आपको एक्स रेंज मिल जाएगी 1 और 11/3 और दोनों इंक्लूसिव है, दिस इज विल बी इंक्लूसिव, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। हमारे पास पहला सॉल्यूशन, पहला जो इक्वेशन है वो ये मिला हुआ है। इसमें क्या करेंगे, 5x दोनों साइड -1 कर दें, 5x इज ग्रेटर देन -25, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर देन -5। और इसके अलावा आपको और मिला है 5x -1 इज लेस देन 25, इसका उपयोग करें, दोनों साइड +1 कर दें, ये हट जाएगा 25 आ जाएगा। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें तो x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन -5, -5 से लेकर 5 तक की आपकी इसकी रेंज आ गई। नंबर लाइन लीजिए और जो लाइन आपको यहाँ पर -5 का गोला बनाइए, 5 का गोला बनाइए और इस बीच को इसको अच्छे से डार्क कर दीजिए ताकि एग्जामिनर देख सके इसे, यही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। हमारे पास ये है 2x -1 इज लेस देन x +5 और एक ये है, तो पहले इसको लेते हैं। क्या करेंगे आप, पहले तो इसको ओपन कर दीजिए, 2x -2 कर दीजिए, x +5 हो जाएगा लेस देन। अब क्या करेंगे कि x वाला एक साइड ले जाइए और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ ले आइए, तो इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ x मिलेगा 7, x इज लेस देन 7, ये x इज लेस देन 7 आपको ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x +6 इज ग्रेटर देन 2 -x, x को एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट को एक जगह ले जाइए, यहाँ पर 4x मिलेगा, 4x इज ग्रेटर देन -4, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1, -1 से लेकर आप 7 तक आ जाइए। तो ये आपका एक लाइन बनेगी, -1 पे गोला लगाइए, 7 पे गोला लगाइए, मार्क करिए और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए और डार्क करिए ताकि एग्जामिनर इसे समझ सके कि ये सॉल्यूशन सेट है आपका, आपने ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास पहला ये है 3x -7 इज ग्रेटर देन 2 इनटू x -6, दूसरा ये है 6 -x इज ग्रेटर देन 11 -2x। पहले इसको सॉल्व करिए, इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो इसको ओपन कर दीजिए, 2x -12 हो जाएगा, x वाले टर्म एक साथ ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले जाइए तो x इज ग्रेटर देन -5, ये आपका एक टर्म आ गया। दूसरे पे आइए, 6 -x इज ग्रेटर देन 11 -2x, यहाँ पर आप देखिए x वाले टर्म एक साइड ले आइए, कांस्टेंट टर्म इधर ले जाइए तो यहाँ पर हो गया x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 एक हो गया और आपके पास दूसरा टर्म मिल गया x इज ग्रेटर देन -5। तो -5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है तो आप यही लेंगे, -5 तो ले नहीं सकते, तो बस 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, कितना बड़ा है ये पता नहीं है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये लाइन सारी हो जाएगी, यहाँ पर डार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में, अब इसमें हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर नंबर लाइन में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, पहले तो इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कॉन्स्टेंट टर्म एक जगह ले गए और
एक्स वाले टर्म एक जगह लेके जैसे 4x और 44 आया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 11, यानी कि 11 जो सॉल्यूशन आप जब लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जैसे कि यहाँ क्या हुआ है। अगले पे आते हैं 2x plus 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x plus 47, कॉस टर्म एक जगह ले जाइए और एक्स वाले टर्म एक जगह ले जाइए, आपको एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आएगा, तो आपका रेंज हो गया -7 से 11, ये इंक्लूसिव है। नंबर लाइन बनाइए, -7 को मार्क करिए, 11 को मार्क करिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए गहरी लाइन से। क्वेश्चन नंबर 11 में है, अ सॉल्यूशन इज टू कीप बिटवीन 68 डिग्री एंड 77 डिग्री। सॉल्यूशन जो है यानी जो यह सॉल्यूशन है एफ, वो इट 68 डिग्री 77 डिग्री के बीच में होना चाहिए। What is the range in temperature in the degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? तो Celsius to Fahrenheit कैसा है, ये F की जगह आप ये लिख देंगे, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देंगे, ये 60 और 77 के बीच में होना चाहिए। अब दोनों जगह 32 है तो मतलब बीच में 32 है तो दोनों जगह 32 से माइनस कर दीजिए, ये अपने आप माइनस हो जाएगा क्योंकि तीनों जगह एक साथ होगा। अब आपका ये आएगा 36.95/c। अब मेरा कहने का मतलब है कि एक ही बार में हटाने के लिए 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर साइड को ताकि ये हट ही जाए। तो सी का रेंज आ गया 20 से 25 डिग्री की रेंज है इस सॉल्यूशन की, इसके बीच में आप अगर रखेंगे तो 68 या 77 के बीच में ही आपको फेरेनहाइट टेम्परेचर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। 8% बोरिक एसिड है, डाइल्यूट करना है उसे 2% बोरिक एसिड से, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%, मतलब 4 और 6 के बीच में होना चाहिए रिजल्टिंग अगर आप इसको जोड़ें। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो देखिए कि हमारे पास हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम मानते हैं लेट एक्स लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। ये पूछा ना क्वेश्चन, ये पूछा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, तो एक्स परसेंट मान लेते हैं और टोटल मिक्सचर कितना होगा 640, तो 8% वाला हो गया 8% और 2% को मिलाना है, 8% वाला 640 हो गया, 2% वाला पता नहीं है तो उसको हमने एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 640 जो है ये टोटल है। रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक सॉल्यूशन। तो 2% देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, 2% एक्स प्लस 8% एक्स, ये किससे बड़ा होना चाहिए। बेसिकली इसको लिखने का तात्पर्य ये है कि 4 और 6, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि 4 और 6 के बीच में होना चाहिए, तो ये 4 से बड़ा रहे क्या, 2% ऐड करें एक्स को और 8% ऑफ 640 और 4% ऑफ क्या है टोटल सॉल्यूशन, और 6% के नीचे रहे, ये बोला ना 4 और 6 के बीच में रहे, तो 4 से ऊपर रहे, यानी कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा 2 और 8 का वो 4 से ऊपर रहेगा इसलिए ग्रेटर देन साइन लगाया है, और 6 से कम रहेगा इसलिए लेस देन साइन लगाया है। एक लाइन में लिखेंगे तो 4 और 6 मतलब 4% ऑफ टोटल सॉल्यूशन दैट इज एक्स प्लस 640, 6% ऑफ एक्स प्लस 640 शुड बी 2% प्लस 8%, 2x प्लस 8 × 640, वो यहाँ पर किया हुआ। तो इसको एक 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 करके लिया गया है, पहला वाला लेते हैं 2/100 एक्स प्लस 8/100 × 640 इज ग्रेटर देन 6 के नीचे रहेगा 4 के ऊपर रहेगा, तो 4/100 2x प्लस 640, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको ये वैल्यू मिलेगा। x को एक साइड ले जाइए, कॉन्स्टेंट को एक साइड ले जाइए, तो x इज लेस देन 1280, ये आपका 1280 से लेस का एक कंडीशन आ गई। दूसरे में यही करेंगे क्योंकि अब 6% से नीचे रहना है, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करिए, एक एक्स को एक साइड ले जाइए, कॉन्स्टेंट को एक साइड ले जाइए, तो आपको ये मिल जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 320। तो 320 से शुरू करिए 1280 तक ले आइए, ये है इसकी रेंज, 320 से ऊपर होना चाहिए, 1280 से 2% बोरिक एसिड इतना होना चाहिए ताकि आपको जो कंडीशन यहाँ पर कहा गया वो आप मीट कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सबसे पहले देखिए कि 1125 लीटर आपका ये बता रहे हैं, तो 1125 लीटर मान लेते हैं, कितना ऐड करना है वो एक्स मान लेते हैं, तो टोटल मिक्सचर एक्स प्लस 1125 हो गया ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ एसिड। तो 25% और 30%, 25% और 30%, तो 30% ऑफ व्हाट टोटल और 25% ऑफ व्हाट टोटल, तो ये क्या होगा 45 एक्चुअल से बड़ा होगा और ये 45 एक्चुअल से कम होगा। इसमें बोल रहे हैं कि विल बी एडेड टू दिस 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, सो दैट रिजल्टिंग विल बी बिटवीन 25% एंड 30%। तो 25% हमने ये कर लिया, 30% ये कर लिया, 45% ऑफ 1125 हमारी कंडीशन आपको ये मिली, 30% पहली वाली ये वाली उठा ली हमने, तो 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स जितना ऐड करना है ये किससे बड़ा होगा 45% से, 45 से ऊपर जा रहा है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक जगह लग जाएंगे, कांस्टेंट एक जगह लग जाएंगे, तो आपको फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी 562.5। और दूसरी कंडीशन क्या है, 25% ऑफ दिस शुड बी लेस देन 45% ऑफ 1125, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको एक्स को एक जगह ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक जगह ले जाएंगे, तो सॉल्यूशन आएगा आपका 900। तो एक्चुअली रेंज बन गई 562.5 और 900, या इसकी रेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 में है, आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार शब्द आएगा यार इसका आईक्यू कम है उसका आईक्यू ज़्यादा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। आईक्यू है आपका MA/CA, MA इज मेंटल एज और CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। आईक्यू अगर 80 और 140, इफ आईक्यू इज बिटवीन 80 एंड 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old children, find the range of their mental age. IQ अगर ये है 12 year वालों के, तो आपको बताना है कि find the range of their mental age. तो if it is given for a group of 20 years old children, IQ is between 80 and 140. तो जो chronological age है वो क्या है 12. IQ क्या है MA, that is mental age, divided by 12 into 100. तो पुटिंग दिस वैल्यू आई क्यू इन वन, जो इस वाली कंडीशन में अगर हम डालें, तो एम ए बाई 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 40 इंटू 100 जो है, तो दोनों को अलग अलग लेंगे आप, अगर आप सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्यूशन ले लीजिए, तो बेसिकली द रेंज ऑफ मेंटल एज विल बी 9.6 to 16.8, ये इसका सॉल्यूशन।